हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इति कांड का 5वां भाग। और इसके अलावा बस मुझे आभास हो रहा है आयामक यहीं पर है। पर कहाँ? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, पर आयामक यहीं पर है। शायद वह किसी अदृश्य कवच में छुपा है। नहीं जिंगालू, अगर आयामक ने अलंध्या का द्वार खोला है और अभी भी यहीं पर मौजूद है तो अलंध्या उसके चारों तरफ बनी होगी, यानी आयामक अलंध्या के केंद्र में है। मेरा यही ख्याल है। अरे वह क्या है? देवाशीष, तुमने हमको धक्का मारा, पर क्यों? इसलिए, हे भगवान, लावे का फव्वारा। हाँ, यहाँ पर रुकना मौत को दावत देना है। हजारों ऐसे छेद है यहाँ पर और वे कब फटेंगे कोई नहीं जानता, और आयामक इनके बीच में स्थापित है। सतह से 10 किलोमीटर नीचे मैं उसे ढूंढ चुका हूँ। वहां तक पहुंचना असंभव है। जाना तो है ये देवाशीष, ये तय है। बस ये तय करना बाकी है कि कैसे ये फव्वारे रुक रुक कर फटते हैं। हमको इनके फटने के बीच का समय नोट करना होगा और उस समय के दौरान ही इन छेदों में घुसकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा, और उस सुरक्षित स्थान का पता अपनी अंडरग्राउंड स्कैनिंग से तुमको लगाना है। मैं ऐसे किसी सुरक्षित रास्ते को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अब तो मानोगे कि अंदर जाना असंभव है? यहाँ पर सिर्फ एक ही काम असंभव है, हमारा आगे जाने का विचार छोड़ना। तो क्या करोगे? लावे की नहर पार करोगे, जहां पर तुमको भस्म होने से एक पल भी नहीं लगेगा? मुझे नहीं लगेगा, पर इसको तो लगेगा। क्या है ये? महाशीत अस्त्र। ये हमारे शरीरों को शून्य से सैकड़ों डिग्री के नीचे तापमान में ढक देगा, और मुझे उम्मीद है कि लावे की गर्मी हमारे शरीरों तक पहुंचने से पहले हम लावे की नहर पार कर लेंगे। और अगर ना कर पाए तो इस वार्तालाप का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। मौत को सीधी चुनौती दे डाली थी इन दो जाबाजों ने, और मौत ने इस चुनौती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। आह, हम पार हो गए। यकीन नहीं होता। यकीन तो हमको भी नहीं होता कि कोई हमारे हाथों से मरने के लिए मौत को पार करके आएगा। ओह, ब्लैक पावर्स की विशाल सेना यहाँ पर भी आयामक की रक्षा के लिए तैनात है। परम युद्ध अपना दायरा फैलाता जा रहा था और शेष शक्तियां इस दायरे को समेटने की कोशिश कर रही थी। ब्लैक पावर्स के सामने नाग शक्ति ठहर नहीं सकती, क्योंकि हमारी संख्या अनंत है। तुम जितने ब्लैक वॉरियर्स मारोगे उससे दुगना पैदा होते रहेंगे। ऐसा है तो मारने की गति को पैदा होने की गति से तेज करना होगा। सूर्यास्त्र। युद्ध में नागराज के उतरते ही स्थिति पलट गई। नागराज के दिव्यास्त्र अपना विनाशकारी रूप दिखा रहे थे और रही सही कसर मानव और नाग सेना की जुगलबंदी पूरी कर रही थी। हमारे अस्त्र इनको मार नहीं सकते, पर स्टन जरूर कर सकते हैं। आगे का काम तुम्हारा है फुंकारी। लो, काम खत्म। अब अगला शिकार ढूंढो, योद्धा मानव। इधर नागराज के दिव्यास्त्र कहर बरसा रहे थे और दूसरे मोर्चे पर यति शक्ति और नागराज के मित्र ब्लैक पावर्स की टुकड़ियों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। अष्टम अध्याय, सुप्त पाशा। नागराज अब उसके मित्र भी ब्लैक पावर्स की टुकड़ियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब मैं और नहीं देख सकता। अगर ध्रुव और जिंगालू आयामक तक पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा। अब मैं अपनी 10 विकराल शक्तियों के साथ खुद जाऊंगा, मसल डालूंगा सबको। नहीं, अभी वह वक्त नहीं आया है। जब आप तुरंत और परम युद्ध के उस मोर्चे पर अचानक सब कुछ थम गया। ये क्या है? जवाब तुरंत ही मिल गया। सम्राट भ्राता सुप्त पाशा की जय हो। सम्राट पाशा को नहीं, अभी वह वक्त नहीं आया। सुप्त पाशा को जगाओ। और परम युद्ध के उस मोर्चे पर अचानक सब कुछ थम गया। ये क्या है? जवाब तुरंत ही मिल गया। सम्राट भ्राता सुप्त पाशा की जय हो। अब हम अजय हैं। जाओ, आराम करो ब्लैक पावर्स, मेरे हाथ पैर चलाने के लिए जगह खाली कर दो। वैसे भी अब तुम लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुप्त पाशा कौन है? नागराज का तीसरा रूप, शायद दूसरा, पर इसके बारे में तो मैं अलंध्या में रहकर भी ज्यादा जान नहीं पाया, क्योंकि ये सोता रहता है। बस इतना पता है कि इसके सोने के दौरान हर दिन इसमें 5 मानव जितनी शक्ति और 1 इंच का कद बढ़ जाता है, और ये कम से कम 2 सालों से सो रहा है। विषांग को सुप्त पाशा की शक्तियां आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे भी प्रत्यक्ष नजर आ रही थी और उनका असर भी। मानवों और नागों के अस्त्र उसके शरीर पर बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे थे, और उनका असर भी बारिश के बूंदों जितना ही हो रहा था। इमारत जैसे विशाल पैर प्राणियों और मशीनों को एक ही तरह से रौंद रहे थे। इन बढ़ते कदमों को रोकना जरूरी हो गया था। इसको मैं रोकता हूँ नागराज, सामान्य नाग शक्ति इस पर काम नहीं करेगी। मुझे नाग ऊर्जा का रूप लेना होगा। और जैसे 2 विराट पर्वत आपस में टकरा उठे और सुप्त पाशा नाम का पर्वत वहीं पर थम गया।
मेरी विषैली ऊर्जा तरंगें इसको मार तो नहीं सकती क्योंकि ये अमर है, पर इसको उतनी देर के लिए भ्रमित जरूर कर सकती हैं जितनी देर में मैं अपनी ऊर्जा हस्त इसके अंदर घुसाकर इसके दिल की धड़कन रोक दूं। उससे ये अमर शैतान मरेगा तो नहीं, पर जड़ जरूर हो। अरे इसका दिल, इसके पास तो दिल है ही नहीं। दांव उल्टा पड़ गया था और ब्लैक एनर्जी ने नाग ऊर्जा का दूसरा दांव चलने का मौका नहीं दिया। विशांक, इसके अमर शरीर पर विष शक्ति काम नहीं करेंगी, दिव्यास्त्रों का ही सहारा लेना पड़ेगा। दिव्यास्त्र अमर सुप्त पाशा को मार तो नहीं सकते थे, पर उसको पंगु जरूर बना सकते थे, और ये बात सुप्त पाशा भी जानता था। उसको तो अपना बचाव करना ही था, चाहे इसकी कीमत हजारों जाने ही क्यों ना हो। अरे जगह जगह से हमारी सेना पर प्रलंकारी वार हो रहे हैं, इसे रोकना होगा, बहुघाती अस्त्र का प्रयोग करना होगा। बहुघाती अस्त्र में एक साथ असंख्य लक्ष्यों पर घातक वार कर सकने की क्षमता थी, और इन वारों से लक्ष्यों का बच पाना असंभव था। बहुघाती अस्त्र बेअसर रहा कैसे? देखते ही देखते क्षितिज तक फैला रण का मैदान नागों और मानवों की लाशों से पट चुका था। इतना तेज, इतना भीषण, इतना घातक वार कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। यकीन नहीं होता, मेरे सहायक मेरे सामने मारे गए और मेरे दिव्यास्त्र भी काम नहीं आए। पर क्यों क्यों क्यों? उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरा साथ दिया, और मैं कुछ ना कर सका। तूने एक नहीं हजारों जानों को खत्म किया है, इसलिए अब मैं भी तुझे एक नहीं हजार मौत मारूंगा। प्रकट हो प्रचंडा। अरे ये क्या, प्रचंडा प्रकट होना तो दूर, मेरे हाथ में थमे दिव्यास्त्र भी गायब हो रहे हैं। सिर्फ दिव्यास्त्र ही नहीं, दिव्य वस्त्र भी अदृश्य हो रहा है। पर क्यों? क्योंकि उसे भी तेरी तरफ लपकती मौत का एहसास हो गया है। दिव्यास्त्र नहीं है तो ना सही, नाग शक्तियां तो हैं ना मेरे पास, ध्वंसक सर्प। अरे ये सर्प बाहर क्यों नहीं आ रहे? मेरे मुंह से विषैली फुंकार भी नहीं निकल रही है, कहां गई मेरी नाग शक्तियां? वो भी अपनी दुम समेट कर गायब हो गई हैं। अब मैं तुझे हजार मौत मारूंगा नागराज, अब बता किस पर दांव लगाएगी, नागराज के बचने पर या मरने पर? बोल कुमारी विसर्पी, बचने पर लगाऊंगी। और क्या लगाएगी दांव पर? तेरी जान, मेरी जान। अरे नागराज सुप्त भाषा के इस गुप्त वार से कभी बच नहीं सकता, क्योंकि इस बार का नाम है सुप्त वार। सुप्त पाशा ने नागराज और बाकी सबके दिमागों के उस हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया जो प्राणियों को सुलाता और सपने दिखाता है। नागराज इस वक्त सुप्त पाशा के स्वप्न में है प्रिय, और अपने स्वप्न में सुप्त पाशा का राज चलता है, वही नियम बनाता है और वही नियम तोड़ता है। और उसने नियम बनाया कि नागराज की कोई शक्ति उसके स्वप्न क्षेत्र में काम नहीं करेगी। अब वह नागराज को पीट पीट कर मारेगा। किसी की स्वप्न में मौत होने से वह वास्तविक संसार में मरता नहीं है क्रूर पाशा, स्वप्न दिमाग से जुड़े होते हैं सुंदरी। और सुप्त पाशा के इस स्वप्न में जो मर जाता है उसका दिमाग वास्तविक दुनिया में मर जाता है, और ब्रेन डेड तो मैन डेड। आह ओहो, ये तो मौत का विवरण सुनकर ही बेहोश हो गई। अगर यह सच में नागराज को मरता देखती तो न जाने इसका क्या हाल होता। आह अब तो जैसे शरीर में उंगली उठाने तक की शक्ति नहीं बची है। क्या यही है मेरा अंत, इस परम युद्ध का अंत? हाँ नागराज, यह परम युद्ध के अंत की शुरुआत है। विसर्पी, तुम तो छाया विसर्पी हो। मैं विसर्पी हूं, पर तुम यहाँ युद्ध क्षेत्र में कैसे आ गई? तुम्हारे स्वप्न में आना मेरा हक है नागराज, और ये हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता। स्वप्न? ये स्वप्न नहीं है विसर्पी, ये स्वप्न ही है नागराज, सुप्त पाशा के स्वप्न वार, और उसके नियम सुप्त पाशा ने बनाए हैं। पर तुम भी सुप्त पाशा के सपने डोर से जुड़े हो, इसी डोर से काट डालो सुप्त पाशा को। मैं बड़ी मुश्किल से बेचैनी का बहाना बनाकर अपने मानस रूप को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, मेरा भरोसा करो। विसर्पी, विसर्पी गायब हो रही है। ये क्या था? क्या ये दुश्मन की कोई चाल थी? क्या मैं सचमुच स्वप्न में हूँ और ये स्वप्न मुझे सुप्त पाशा दिखा रहा है? अगर ये सच है तो इस युद्ध का निर्णय शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानस शक्ति करेगी। आह भयंकर पीड़ा हो रही है, लगता है मौत कुछ ही पलों की दूरी पर है। मानक शक्ति का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता चाहिए, और वह मुझे मिल नहीं रही है। वैसे भी अगर ये सचमुच में सुप्त पाशा का स्वप्न है तो मैं इसे कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? नागराज को आगे सोचने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह वार प्राण लेवा था। लो प्रिय, तुम शर्त हार गई। ये नहीं हो सकता, नागराज सपने में नहीं मर सकता, चाहे वह सपना सुप्त पाशा का ही क्यों ना हो। ध्यान से देख। अरे ये सुप्त पाशा को क्या हो रहा है? कि ये लड़खड़ा क्यों रहा है? क्योंकि इसने नागराज के दिमाग में अपने दिमाग को जोड़कर महाभूल की है। अगर मैं सही समझी हूँ तो नागराज मरने की आड़ में ध्यान केंद्रित कर रहा था, और अब सुप्त पाशा का दिमाग नागराज के कंट्रोल में है। अब वह नागराज का स्वप्न देख रहा है, और ये अंदाजा लगाना तो तुम्हारे लिए भी मुश्किल नहीं होना चाहिए कि सुप्त पाशा का नागराज के स्वप्न में क्या हाल हो रहा होगा। तू जीवित है? असंभव। और तेरा आकार भी बढ़ रहा है? कैसे? मैं समझ गया, तू मुझे स्वप्न दिखा रहा है, मेरे वार को मुझ पर ही चला रहा है। मुझे सुप्त वार को वापस लेना होगा।
सुप्त बादशाह का दिमाग मर चुका था और अब उसका शरीर जिंदा तो था पर कोमा जैसी अवस्था में पहुंच गया था। सुप्त बादशाह को क्या हुआ? क्या ये मर गया है? नहीं छाया विसर्पी, ऐसों को भगवान भी अपने पास नहीं बुलाता। ये अनंत काल की निंद्रा ले रहा है। सुप्त बादशाह ऐसे मर नहीं सकता, नहीं मर सकता। वह मरा कहाँ है? वह मर नहीं सकता, वह तो सो रहा है। निंद्रा मृत्यु का ही दूसरा रूप है। बस अब और नहीं, अब मैं खुद उतरूंगा रण में और चुटकियों में इस परम युद्ध का अंतिम अंजाम तक पहुंचा दूंगा। नवम अध्याय चरम। परंतु यह परम युद्ध कई स्थानों पर एक साथ लड़ा जा रहा है और हर मोर्चे का परिणाम हमारी जीत या हार पर भी असर डाल सकता है। अब सिर्फ नागराज का सामना करने या उसको मारने से हम सारी शिव शक्तियों को खत्म नहीं कर सकते। पहले ब्लैक पावर्स की सेनाओं को कुछ मोर्चे पर युद्ध जीतने दीजिए। हमारे कई महान योद्धा अलग अलग मोर्चे पर मौजूद हैं, परंतु शेष शक्तियां हर मोर्चे पर उनसे मजबूत सिद्ध हो रही हैं। अब हर मोर्चे पर क्रूर पाशा लड़ेगा, पर कैसे? खैर छोड़िए, अगर आपके पीछे जलंधर में कोई समस्या खड़ी हो गई या मुसीबत आ गई तो आओ मेरे साथ। या आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ये गर्भगृह है गुरुदेव, और ये है यहाँ के प्रभु ब्लैक पावर्स के रक्षक महाकाल छिद्र। प्रणाम करता हूँ छिद्र, महाकाल छिद्र। हकलाओ मत गुरुदेव, अब इनको देखने की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुमको किसी भी विपत्ति की स्थिति में इनसे ही आदेश लेना है, क्योंकि तुम स्वयं रण में जा रहे हो ना। आप तो सब जानते ही हैं, फिर भी मैं आपसे आदेश लेने आया हूँ। जाओ, मैं शेष शक्तियों की हार को सामने देख रहा हूँ। आशीर्वाद लो हमारा क्रूर पाशा, महाशक्तियां जागृत हों, परम युद्ध का निर्णय होना तय था। पर किसके पक्ष में यह निर्णय होना भी बाकी था, और वर्तमान स्थितियों को देखकर यह साफ लग रहा था कि यह निर्णय कम से कम देवों के पक्ष में तो नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पर रोबो की ब्लैक आर्मी शक्तिहीन देवों पर भारी पड़ रही थी। यकीन नहीं होता, हम देवों के लीडर धनंजय पर भारी पड़ रहे हैं। खेल मत कर, अभी कई देव बाकी हैं, कुचल दे इसका सर। बड़े शौक से सुनना फचाक की आवाज होगी। ये आवाज तो अलग थी, पर क्यों? क्योंकि मेरी शक्तियां वापस आ रही हैं। कोई चमत्कार हुआ है। यह सचमुच चमत्कार ही था। ब्लैक वर्लपूल का घेरा तोड़कर पूरी स्वर्ण नगरी अब सतह के रूप में मंडरा रही थी। ये तो स्वर्ण नगरी के उड़ते भवन है, असंभव। यकीन कर लीजिए पापा। जयम, तो ये सब तूने किया है, पर कैसे? स्वर्ण नगरी को बचाने के लिए करना पड़ा पापा, पर कैसे ये बाद में पूछिएगा। अभी तो हमको स्वर्ण नगरी की पूरी शक्ति पृथ्वी पर से ब्लैक पावर्स को मिटाने के लिए लगानी है। ठीक है, अब इन टावर प्लेन्स को पूरी पृथ्वी पर फैला देंगे और ब्लैक पावर्स को चुन चुन कर नष्ट करेंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी है देवनायक, क्योंकि ब्लैक पावर का केंद्र खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया है। हे महादेव, ये कौन है पापा? काल गरुण, एक महाभयानक काली शक्ति, और इस वक्त यह असर क्रूर पाशा का ही एक रूप है। गरुण पाशा के एक एक पर में जैसे सैकड़ों न्यूक्लियर मिसाइलों की शक्ति समाई थी। देवों द्वारा रचा गया शक्ति ऊर्जा का कवच उस प्रहार को संभालने में असमर्थ था। एक एक करके उड़ते टावर धूल बनते जा रहे थे। ऐसे तो शक्ति केंद्र भी नहीं बचेगा और हम देवों की शक्ति हमेशा के लिए मिट जाएगी। इसे रोकना होगा। धनंजय के शरीर पर अद्भुत देव यंत्र प्रकट होने लगे और विनाशक काले परों का पड़ता वेग थम गया। आह, बड़ी देर से मैं तेरी प्रतीक्षा में था देवनायक धनंजय। आज तुझे मारकर मैं उस रोड़े को हटा दूंगा जो पृथ्वी पर काली शक्ति का राज्य फैलने देने में सबसे बड़ी बाधा है। तू एक बार पहले भी त्रेता युग में मेरे हाथों से मात खा चुका है काल गरुण, पर इस बार मैं तेरा प्राणांत कर दूंगा। इस बार मैं अमर क्रूर पाशा का एक रूप हूं देव, और अमर मरा नहीं करते। आकाश में दो महाचक्रवात आपस में टकरा रहे थे और इस महायुद्ध को जीतने से क्रूर पाशा से भी ज्यादा बड़ा फायदा ग्रैंड मास्टर रोबो को ही होना था। आहा, आराम पड़ गया। देवों और रोबो ब्लैक आर्मी के बीच होने वाली झड़पों के कारण मेरे शरीर के कंप्यूटर सिस्टम पर बहुत दबाव पड़ रहा था, क्योंकि मुझे अपने आदमियों को अतिरिक्त ब्लैक शक्ति देनी पड़ रही थी। लेकिन गरुण पाशा ने आकर मेरी चिंता दूर कर दी। अब ये देवों को मेरे रास्ते से हटाएगा और इसको हटाएगा नागराज। फिर पूरी पृथ्वी पर ग्रैंड मास्टर रोबो का राज होगा, अमर ग्रैंड मास्टर रोबो का, क्योंकि उस वक्त मेरे शरीर में अमर भीरू पाशा भी घुलकर मिल चुका होगा। चारों तरफ या तो मेरी जय जयकार होगी या हाहाकार। हमारी नगीना, तुम मुझसे अलग थोड़े ही हो, इसलिए मुंह से मेरी शब्द निकल गया। ये शब्द मुंह से नहीं दिमाग से निकाल दो लोबो, वरना तुम्हारे शरीर को ठप करने वाला स्थाई कंप्यूटर कोड मुझे याद है। उसका प्रयोग करके कोई भी तुमको सम्राट से नौकर बना सकता है। सॉरी कमांडर, हम रोबो सिटी के बाहर मौजूद अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन की गड़बड़ी है।
नहीं मैडम, उन सभी से हमारा संपर्क टूट गया है। पर वे तो अपना काम लगातार कर रहे हैं, जैसे कि उनको अभी भी आदेश मिल रहा हूँ। इसका एक ही कारण हो सकता है कमांडर, रोबो खुद उनको आदेश दे रहा है। उसने कंट्रोल अपने शरीर के कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर कर लिए हैं। ओह, और रोबो हमारी पहुंच से बाहर है। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। मैडम ये देखिए, जो कुछ भी है वो तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ में ही है। नताशा, कौन हो तुम? कुछ भी समझ लो, फिलहाल मैं कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हूँ। बस ये ध्यान रखो कि रोबो का शरीर भी एक कंप्यूटर है, और हर कंप्यूटर क्रैश हो सकता है। बस उसे क्रैश करवाने का तरीका आना चाहिए। क्रैश करवाने के लिए कंप्यूटर के डिफेंसिस को पार करके उसके अंदर तक जाना पड़ता है, और उसके सिक्योरिटी लॉक को तोड़ना पड़ता है वायरस कोड से। बिल्कुल सही कोड ही चाहिए तुमको। तुमको कोड पता है? अगर होता तो मैं तुम्हारा काम खुद कर देता, पर वह मेरे पास है नहीं। उसे ढूंढो और रोबो को कंट्रोल में कर लो। आसान है ना? अरे अरे सुनो तो, संपर्क टूट गया है मैडम। ये कौन था? पता नहीं, पहले कभी देखा नहीं, पर ये जो कह रहा था वह ठीक कह रहा था। रोबो के शरीर के हर मशीनी पार्ट को एक खास कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल करता है, और इसको एक परमानेंट कोड दिया गया है ताकि उसमें छेड़छाड़ ना की जा सके। पर आश्चर्य की बात यह है कि ये अजनबी इस बारे में कैसे जानता है? ये समय इस बारे में सोचने का नहीं है नताशा। अगर वह अजनबी सही कह रहा था तो ये सोचो कि वह कोड तुमको कैसे मिल सकता है। मिल सकता है, वह कोड हमको रोबो खुद बताएगा। आर यू जोकिंग? तुमको हंसी आई? नहीं, तब ये जोक नहीं था। कैप्टन, तुम रोबो से तुरंत कांटेक्ट करो, और उसको बातों में तब तक फंसाए रखो जब तक मैं इशारा ना करूं। पर मैं बात करूंगा क्या? ये भी मैं तुमको बताती हूँ। और फिर ग्रैंड मास्टर, आप कहाँ हैं? एक खुशखबरी सुनानी है। कैसी खुशखबरी? हमने दो गद्दारों को मार डाला है और चार अन्य को पकड़ लिया है। शाबाश, पर आप कहाँ पर हैं ग्रैंड मास्टर? हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। कॉन्टैक्ट स्थापित हो गया है। बात करते रहो, मैं इसके सिस्टम को हैक कर रही हूँ। नताशा को सलाह देने वाला अजनबी अपनी चालें तो बहुत सोच समझ कर चल रहा था, क्यों लेकिन क्रूर पाशा के 10 रूप उसकी हर चाल को चुनौती देते नजर आ रहे थे। ब्लैक पावर्स को मारकर बहुत खुश मत हो शक्तियों, क्योंकि जब तक अलंदे आए तब तक ब्लैक पावर्स पैदा होती रहेंगी अनंत काल तक और असंख्य तादाद में। तुम इनको मारते मारते थक जाओगे, पर मरते मरते भी कभी नहीं थकेंगी। दशम अध्याय, निर्णय। ये तो बंद पाशा है, क्रूर पाशा का रूप। इसके खुद युद्ध में उतर आने से इसका पलड़ा भारी हो जाएगा। वैसे ये सच कह रहा है, जैसे एक बायो रोबोट के लड़ने की भी कोई ना कोई निश्चित सीमा तो होती है, पर इनकी कोई सीमा नहीं है। इनकी तादाद तो अभी से बेहिसाब नजर आ रही है। इन सबको मारने के लिए तो मेरी एक विश्वंकार ही बहुत है द्रोण। भ्रमित मत हो योद्धाओं, बस लड़ते रहो। इनको संभालने के लिए मैं खुद भी असंख्य तिलिस्मी शक्तियां पैदा कर सकती हूँ। हर योद्धा अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न कर रहा था, लेकिन ब्लैक पावर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। ये तो बाढ़ में भरी नदी की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। हम इस बाढ़ में डूब जाएंगे। इस बाढ़ को रोकने के लिए मेरे पास एक तिलिस्मी बांध है दोस्तों, और अगले ही पर। अरे, ब्लैक पावर्स आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तुम सब पागल हो गए हो क्या? पागल होने की हालत तो तुम्हारी है बंद पाशा। ये तो तिलिस्मी जाल में फंसे हैं, और इसमें फंसकर इनकी यति ब्लैक पावर्स की तरह दिख रहे हैं। इनको यति ब्लैक पावर्स की तरह दिख रहे हैं, और ब्लैक पावर्स यतियों की तरह। अब ये आपस में ही लड़ मरेंगे। अब हम पांचों के सामने तुम अकेले हो। मैं अकेला हूं, तुम सब भी तो मेरे साथी हो। ये बंद कुछ ही देर में तुम्हारी इच्छा शक्ति को समाप्त करके तुमको मेरा गुलाम बना देगा। परम युद्ध में स्थितियां तेजी से बदल रही थी। यतियों को अपनी पूरी शक्ति की जरूरत आन पड़ी थी, क्योंकि तिलिस्म टूट चुका था, और यही स्थिति ध्रुव और जिंगालों की भी थी। ये सेना तो बहुत बड़ी है, मेरी एक्सरे स्कैनिंग विजन भी इनका छोर नहीं देख पा रही है, और ना ही इनके शस्त्रों का। उफ, इतने सारे शस्त्रों से तो बच पाना असंभव है। असंभव में ही संभव छुपा होता है जिंगालू। इनको मुझ पर छोड़ो, तुम आयामक यंत्र का अध्ययन करो। आश्चर्य है, आयामक के संकेत हर दिशा से आ रहे हैं। शायद आयामक के स्थान पर यह ब्लैक आर्मी खड़ी है, पर तुम तो आयामक को थोड़ी दूर से भी नियंत्रित कर सकते हो। कोशिश करके देखो। वह कोशिश मैं कर चुका हूँ ध्रुव, पर विफल रहा। या तो आयामक मेरी आज्ञा को मान नहीं रहा है, या फिर मुझे उसके और पास जाना पड़ेगा। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इस ब्लैक आर्मी की सेना को चीर कर। तुम मेरे पीछे पीछे आना। इस सेना के बीच में घुसकर शस्त्रों का चला पाना आसान नहीं होगा ध्रुव। मैं शस्त्र को चलाऊंगा भी नहीं देवाशीष, बल्कि शस्त्र मुझे चलाएगा। अद्भुत, ये चलायमान अस्त्र युद्ध के तीनों कार्यों को एक साथ कर सकता है, हमला, बचाव और सुरक्षा। चलायमान ने ब्लैक पावर्स की सेना को पिघलते मक्खन की तरह चीरना शुरू कर दिया।
लेकिन ब्लैक पावर्स तो हर जगह पर छिपी हुई थी। इन शस्त्रों में भरी ब्लैक ऊर्जा के स्पर्श शस्त्र से तेरा नाश हो जाएगा यति, फिर आयामक को आदेश देने वाला कोई नहीं बचेगा। नाश होना तो तय था, चाहे जिंगालू का या ब्लैक पावर्स का। ये मुझे छूते ही नष्ट हो गए, पर कैसे? जैसे भी हुए हों, फिलहाल तो ये मुझे रास्ता दिखा गए हैं ब्लैक आर्मी को नष्ट करने का। महात्मा का काल छिद्र जी, अलंद्या के गर्भ में मौजूद हमारी अनश्वर आर्मी पिट रही है, हम देख रहे हैं। ये इस यति के शरीर में मौजूद हलाहल का असर है। उस महाविष का स्पर्श काली ऊर्जा को छूते ही नष्ट कर सकता है, और मैं महात्मा नहीं महाकाल छिद्र हूँ। यानी इतना घातक होता है हलाल, क्या ये अमृत को भी नष्ट कर सकता है? कर सकता है। तुम शायद कृपाशा की चिंता कर रहे हो, पर चिंता मत करो, इस आयाम में इस वक्त एक ही हलाल विषधारी है, और वह अलंद्या के गर्भ से जीवित सतह तक नहीं आ पाएगा। कृपाशा सुरक्षित है। कृपाशा एकदम सुरक्षित था, क्योंकि जिंगालू सुरक्षित नहीं था। हम ब्लैक आर्मी के बीचों बीच पहुंच चुके हैं जिंगालू, आयाम से संपर्क साधन, इसकी स्थिति पता लगाओ जल्दी। मैं अभी जिंगालू, ये क्या हो रहा तुमको? पता नहीं, मेरा शरीर गल रहा है। इसका शरीर यानी यति की साधना के प्रभाव से जीवित हुआ है ध्रुव, परंतु इसके शरीर के जो कण हलाहल कुंड में घुल गए थे, वे जुड़े भी हलाहल मिश्रण से ही थे। अब जैसे जैसे जिंगालू ब्लैक पावर्स को नष्ट करने के लिए हलाहल का प्रयोग कर रहा है, वैसे वैसे इसके कण अलग होते जा रहे हैं। अब ज्यादा समय नहीं है, आयामक को आदेश दो कि वह अलंद्या के आयाम को फिर से अपने अंदर समेट ले। पर आयामक है कहाँ पर? यहीं पर। तुम आयामक के अंदर खड़े हुए हो जिंगालू, तुम्हारा आदेश पाते ही आयामक चमकना शुरू हो जाएगा, और अलंद्या के साथ साथ ब्लैक पावर्स भी खत्म हो जाएंगी। और ये काम तुमको खुद खत्म होने से पहले करना है। जिंगालू, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर आयामक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पर मैं मरूंगा भी तो इन ब्लैक पावर्स को साथ लेकर मरूंगा। जिंगालू, जिंगालू के शरीर के सभी कड़े एक धमाके के साथ अलग हुए, और चारों तरफ बिखरे हलाहल के कड़ों ने ब्लैक पावर्स का विनाश कर दिया। उफ, ये क्या हुआ? अब आयामक को आदेश देने वाला कोई नहीं है। ध्रुव भी हलाहल के प्रभाव से अचेत हो गया है, और ब्लैक पावर्स की सेना एक बार फिर से पैदा होकर इधर बड़ी चली आ रही है। अब कौन रुकेगा इस विनाश को? ए, मैंने तुम्हारी स्कैनिंग की है, पर तुम तो मुझे पहचान कर अच्छा नहीं किया। शेष शक्तियां एक एक करके शून्य में विलीन हो रही थीं, परंतु अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकाश की एक किरण भी काफी होती है, और वह किरण शायद यति लोक से ही आनी थी। मैंने कहा ना कि नाग शक्तियां मुझे खत्म नहीं कर सकती, पर मैं किसी भी नाग शक्ति को खत्म कर सकता हूँ। नागराज के पास अगर दिव्या वस्त्र नहीं होता तो उसकी मौत भी मेरे ही हाथों से होनी थी। पर चल नागराज ना सही, पर तू भी तो उसी का खून है। तेरा खून बहाकर मैं नागराज का ही खून बहाऊंगा। पल भर के लिए दोनों ने एक दूसरे को नजरों से तोला। न जाने कौन किस पर पहला वार करने वाला था, पर वार कहीं और से ही हुआ। ये क्या? उफ, चारों तरफ से चट्टाने गिर रही हैं, धरती में दरारें पड़ रही हैं। यानी सही समझे कालीवान, यति लोग टूट रहा है, बिखर रहा है। ओह, यानी खंडहर ग्रहों का हाल भी खंडहर भवनों जैसा ही होता है। प्रकृति के इस भयानक रूप में लड़ने की क्षमता मुझ में नहीं है। वैसे भी अब तुम सबको मारने का काम विध्वंसक प्रकृति स्वयं ही कर रही है। यति युवराज को बचाता हुआ नागीश भी उस भीम काय चट्टान से अपने आप को बचा नहीं पाया। मेरा काम खत्म हुआ, अब मुझे वापस अपने आयाम। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं इति कांड के छठवें और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।